तो मन में आया कि चल के देखा जाए जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहां की असलियत क्या है, और मौके पर आया तो जैसा हमारा विश्वास था हमने वैसा ही पाया है। इस धान क्रय केंद्र में किसानों के साथ में विशुद्ध रूप से बेईमानी हो रही है, गड़बड़झाला हो रहा है, किसान परेशान है, उससे धान क्रय नहीं किया जा रहा। यदि आप मौके पर दस्तावेज जाँचेंगे तो आप पाएंगे कि 1 नवंबर से चालू हुए इस धान क्रय केंद्र में पहली खरीद 15 नवंबर को एक बिल कटा है 20 क्विंटल का, उसके बाद कुल अब तक 7 बिल और कटे हैं, केवल 8 किसानों से खरीद करी गई जैसा कि बिल बुक दिखा रही है। लेकिन मौके पर स्थिति यह है कि बिल बुक में 3 प्रतियों में बिल काटा जाता है और उसकी 3 की 3 प्रतियां किताब में ही लगी हैं, किसी किसान को नहीं दी गई, जो ये साबित करता है कि सारी की सारी खरीद सिर्फ कागजों पर हुई है और ये बिचौलियों के माध्यम से हुई है। और इनके आंकड़ों में भी कुल खरीद केवल 361 क्विंटल की हुई है आज 22 दिन का क्रय समय बीत जाने के बाद। मौके पर ऐसे किसान मिले हैं जो पिछले 4-4 दिन से अपना धान लिए घूम रहे हैं, जिनका धान खरीदने वाला कोई नहीं। जब वो क्रय केंद्र पे आते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि अभी 3-4 दिन बाद खरीदा जाएगा। वो बेचारे मजबूर किसान जो ट्रैक्टर का भाड़ा लगा करके आते हैं, वो अपने धान की स्वयं छनाई कर रहे हैं, स्वयं सफाई करके 1300 रुपये में आढ़ती को बेचने को मजबूर है। और मौके पर क्रय केंद्र पर जो खरीद हुई भी है, कुल 8 बिल जो कटे हैं फर्जी, जिसमें 3 प्रतियां किताब में लगी हैं, वो भी बिचौलियों से ली गई है, किसानों केवल नाम खाते के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो कटा है 15 तारीख में और इसके बाद ये 16 तारीख की डेट है जिसमें 3 प्रतियों में बिल कटना चाहिए। इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनकी सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर सरकार नहीं चेती तो समाजवादी पार्टी किसानों को साथ लेकर के इस मुद्दे पे बड़ा आंदोलन खड़ा। जो मोबाइल नंबर है किसानों से, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके चाहे जिस भी तरीके से खरीद की, आप रसीद तो दे ही नहीं रहे तो किसान नहीं, से ये रसीद नहीं दी गई, ये जरूर उसका विषय है, जांच का विषय क्यों नहीं दी गई या क्या बात है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है, ये अगर कहना कि फर्जी खरीद है ये नितांत गलत भी रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी कहीं पे भी एक रत्ती भी खरीद जो है गलत नहीं।